लखनऊ शहर में आज एक दुखद घटना हुई। पहली नवरात्रि के दिन आज एक ट्रैक्टर श्रद्धालुओं से भरा हुआ मर जा रहा था और जाते हुए सुबह ट्रैक्टर की क्या हुआ, किस तरह क्या हुआ, ट्रैक्टर फिसल कर एक गहरे तालाब में जा गिरा। उस ट्रैक्टर में कम से कम 50 लोगों शामिल होने की उम्मीद है। इस वक्त क्षेत्र में बड़ा कोहरा मच गया है। यहाँ पर मौके पर पुलिस और जिला अधिकारी अन्य लोग मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या हालम है यहाँ पे। परेशान लोग हर जगह चिलगुहार मचा और अभी भी लोगों को गोताखोर लोगों की ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि यह स्थिति क्या है। इसमें अभी तक क्या कुछ निकल गया है, लगभग कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, ये जनपद सीतापुर में अटोलिया थाने के गांव से सभी लोग ट्रैक्टर ट्रोले पर लाल सवार होकर पूजा थाने के अंतर्गत पुनई देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे। रास्ते में ट्रैक्टर ट्रोले चालक द्वारा संभाल ना पाने के कारण ट्रैक्टर की जो ट्रॉली है वो फिसल कर इस पास के तालाब में चली गई। तत्काल पुलिस पहुंची है, उसमें लोगों की सहायता से टीम को भी रश कराया गया। इनकी सहायता से यहाँ से निकाला गया है। 37 लोग सकुशल हैं, जिनका इलाज इस समय CSC इटौंजा में चल रहा है। मेरी सभी से वार्ता कर ली गई है, सभी मेंटली अलर्ट हैं। जिनको जो थोड़ी सी दिक्कतें आई थी उनको प्राथमिक उपचार दिया गया। एक व्यक्ति को आगे रेफर किया गया है, उसकी सांस लेने में कुछ दिक्कत आ रही थी। जो 10 लोग चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत मृत पाए गए हैं, उनकी भी 10 टीमें बनाकर पंचनामा कराने की कार्रवाई इसमें शुरू प्रारंभ कर दी गई है। और DM से रिक्वेस्ट करके उनका पोस्टमार्टम भी एक साथ हो सके, इसके लिए अलग टीमों का गठन कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के उपरांत मौसुमी से उनके शवों को उनके परिजनों के साथ गांव तक पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। जो परिजन इसमें CSC इटौंजा में स्वस्थ हैं, उनको फलाहार की व्यवस्था की गई है। और हमारा अपना प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द, जैसे ही उनको डॉक्टर रिलीज करते हैं, रिलीव करते हैं उपचार के उपरांत, उनके लिए वाहन करके उनको पुलिस एस्कॉर्ट देके उनके गांव तक सक्सेसफुली पहुँचा दिया जाएगा। SSP सीतापुर को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि गाँव में भी पहुँच जाए प्रशासन की टीम। आज यहाँ पर गद्दीपुरवा गांव है, ये इटौंजा थाने के अंतर्गत, यहाँ पर एक दुखद घटना होती है। सुबह को एक ट्रॉली और ट्रैक्टर, उसमें 47 लोग सवार थे, जो सीतापुर के एक गांव से आ रहे थे, टिकोली गांव है और ये अटरिया थाने में पड़ता है। यहाँ से ये पास में एक उनई गांव है, वहाँ दुर्गा देवी मंदिर है, वहाँ के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में यहाँ पर ट्रॉली के पलट जाने से सब लोग अंदर तालाब में चले गए, तो उसमें से जब रेस्क्यू किया गया तो 10 लोग मृत घोषित हुए हैं और बाकी 37 लोगों का उपचार यहाँ CSC पे और KGMU में चल रहा है। जो मृत हुए हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। और जो अभी इंजर्ड हैं, जिनका उपचार चल रहा है, उनका अच्छी तरह से उपचार चले, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सर, जो डेथ हुई है उसमें महिलाएं बच्चे जो डेथ हुई है उसमें 10 महिलाएं हैं, 8 बालिग हैं और 2 18 वर्ष से कम की उम्र के। दर्शन वगैरह करने जा रहे थे? हाँ, ये कोई उनका पारिवारिक फंक्शन था, मुंडन बताया जा रहा है, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे लोग।